मैं प्रकट होऊंगी तो थे तो डरिया मत और हो हल्लो मत मचाई बतावा की जगह छुट रही आप हाथ भी दया तो हाथ भी इजा जा रहे है। 31 दिवाही जो अखंड ज्योत हरदम दिन और रात अड़े चलती रहे ये हमारी एक है, वो कुलदेवी है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ नागौर जिला का अंदर गोठ मांगलोद जो गाँव है बी के अंदर ही दधीमती माता जी को मंदिर है, तो दधीमती माता जी का मंदिर आज आप अड़े पूछे हाँ तो जो दधीमती माता जी को के रहस्य है बोड़िया का पुजारी जी ही बाका द्वारा आप पूछांगा पीछे की जो भी कहानी है बहुत बातचीत करांगा। जो दधीमती माता जी को जो दृश्य है नजारो है वो आप दिखावांगा, तो वीडियो ही लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो पर बने रहो। जब दधीमती माता जी के मंदिर का जब आप प्रवेश वहाँ जो अंदर तो इजा पास में ही दो शेर भी लगेड़ा ही अति सुंदर इजा जो आपको नजारो है काफी, और जो जो मंदिर है मंदिर को नजारो भी काफी अच्छा है, पर बस थोड़ी सी कमी है कि कुछ सरकार का अंडर में यो मंदिर है तो ये थोड़ी साल संभाल ना हो उनके कारण जो फर्श वर्ष है वो टूट रहे है, आसपास को जो भी ये दीवार देख रहे हो ये टूट रही है। और महाराज जी जय की बात करा माता जी के कोई मेलो मेलो भी लगा है साल मेला, में मेला दो लगता है, एक चैत्र मास में एक आसोज में। अच्छा चैत्र मास में और आसोज में लगा है दो मेला लगे, खूब पब्लिक आवे, सबको हम दर्शन कराते, रोक टोक नहीं है। और माता जी के प्रसाद क्या कुछ है? प्रसाद दाल बाटी चूरमा का लगता है, वैसे कोई इच्छा हो तो हलवा बना दो लापसी बना दो, ये अपने ये मारवाड़ी भोजन ही लगता है जी, जी, और जी। कोई दूसरी चीज नहीं लगती। तो जय की माता जी को दो बार मेलो लगा है तो व्यवस्था का सीख रहे है डी। व्यवस्था अच्छी होती है मेले में, बाहर के समाज के लोग करवाते हैं व्यवस्था, पानी की है खाने की है, खाना फ्री होता है पूरे मेले को, और लाइट की व्यवस्था होती है, सोने की दो धर्मशाला बनी हुई, एक तो उधर है सालासर की तरफ, एक इधर ये किच्छे बनी हुई है, हजारों आदमी रुकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं जय की महाराज जी, सुविधा तो सब कुछ है, तो मैं आसपास में जो नजारो देख रहे हाँ तो ये सारो टूटो फूटो खंडर कहीं पड़े है? खंडर तो बनाया गया है, बड़े नहीं गया, एक ही चौक है, बाकी दूसरे चौक नहीं है कोई कारण से, तो ठीक हो जाएगा अब। अच्छा तो मतलब अभी यो जो खंडर बंडर हो रहे है यो ठीक होगा या कोई? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोर्ट का स्टे लगा रखा है, पुरातत्व विभाग ने बोर्ड लगा रखा है, वो जब परमिशन दे देंगे बजट दे देंगे तो काम हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का दिन चला गया, राजस्थान सरकार एक अदर स्तंभ है माता जी का, उस पर मन्नत के धागा बांधो चाहे नारियल बांधो तो उसकी इच्छा पूरी होती है, फिर वापस आकर वो अपना फंक्शन करते हैं, दाल बाटी चूरमा करो चाहे भोग लगाओ माता जी की भेंट लगाओ, एक अखंड ज्योत है जो उसमें है ना एक कांच के कोने में, वो अखंड ज्योत चलती है हजारों साल से। अच्छा जब से हाँ जब से मंदिर हुआ अखंड ज्योत चलती है, उसको हम जलाते हैं, घी डालते हैं, और आए गए जो भी भक्त है वो घी के पैसे भी देते हैं, कोई घी लाता है जैसे आसपास के गांव के घी में, पहले गाय का जो बिलौना बनता है ना उसका घी माता जी की ज्योत में आता है। और जय की माता जी को जो मंदिर है इनमें कोई हजारों साल मतलब 2000 ज्यादा 2000 भी ज्यादा साल पुराना मंदिर, 40 से ज्यादा है, 2040 भी ज्यादा मंदिर पुराना है, तो कोई ये की परंपरा भी है कि जो मंदिर में आज तक भी चलती आ रही है? परंपरा कोई नहीं है, बस पूजा चल रही है। पूजा और पूजा पाठ को नियम की है? पूजा नियम सुबह 4 बजे उठते हैं जी, पट खोलते हैं, माता जी को स्नान कराते हैं, फिर आरती करते हैं जी, आरती के बाद प्रसाद वितरण करते हैं, सुबह 6:15 होती है मंगला आरती, फिर एक शाम को अभी शयन आरती होगी 7 बजे, फिर रात को 9 बजे शयन आरती होगी। अच्छा तीन आरती होती है, और कोई भक्त अभिषेक कराता है तो उसकी एक आरती अलग से और होती है जी, जी। 4 आरती होती है। दधीमती माता जी को जो मंदिर हो जो 2040 भी ज्यादा पुराना मंदिर है जैसे 2000 के समथिंग मान लो, तो जो अड़े की कहानी ही ये पुजारी जी ही ये काफी सालों में जब पूजा पाठ कर रहे हैं, और आका जो बड़ा बुजुर्ग हा का दादा परदादा आका पापा जी सब आके ये कई पीढ़ी गुजर गई जो पूजा पाठ करता करता, और जो माता जी की जो पीछे की कहानी है ये बताइए, जो माता जी हा बड़े पहली ही प्रकट होने खातर जो इजा ग्वालिया पहले ग्वालिया ये जो गाय गुई चराया करता तो माता जी मान पहली हेलो मार के कह दी हो कि भाई मैं प्रकट होंगी तो थे तो डरिया मत और हो हल्लो मत मचाई, तो जब प्रकट होने लगी तो आंधी उंधी आन लगी थोड़ी बहुत और जो धरती है बा कप कपान लागी, तो इसलिए गवालो डरगो और वो रोड़ो कर दियो, ये खातर जो माता जी है ना वो भी को जो आंख भी को निकली थोड़ो सो जो माथो है वो माथो ही निकले हो, जो दधीमती माता जी को यो रूप है सवारी है लगाई आंख नाक सब कुछ दिखा रखे हो पर नाड़ नाड़ है दधीमती माता को ही स्वरूप है, तो जब
मेलो भरा है तो श्याम की टाइम सप्तमी न श्याम की टाइम में जो माता जी आएगी झांकी निकाली जा है अठाऊ लेकी और माता जी को मंदिर के पीछे ये कुंड है कुंड के बठे लेके ले जाके और वापस अड़े माता जी लाई जा है और जो ददी माती माता जी को मैन मंदिर है जो जमीन ने फाड़ के फिर निकले हा वो मंदिर अड़ीन है जो इको दृश्य दिखावा जो सामने ही थे देख रहे हुई जा ददी माती माता जी को जो मैन जो मंदिर है यो मंदिर जो इको शीश शीश थोड़ो थोड़ो निकलेड़ो हो जो यो नाक ही है जो आंख ही ये तो अभी बनाई गई ही चांदी को यो मुकुट है जो माता जी की मूर्ति निकली ही वो तो माथो माथो निकलो फिर भी के बाद में जो अड़िया का जो श्रद्धालु वगैरह ही जो भी कमेटी का लोग ही पुजारी जी ही ये मिल मेल की और जो माता जी है माता जी को जो जो फेस को मुकुट हो वो बनवायो हो जो सामने ही थे देख रहे हो जो माता जी को मंदिर है इको ऊपर जो छत्तर है वो चांदी को है और ऊपर मुकुट है जो सिर के ऊपर मुकुट है यो चांदी को और माता जी जो बोरलो पे रखी है वो सोना को है और माता जी के जय की काफ़ी सारी लेडीज ही वह बेस चढ़ा के जा जो माता जी को श्रृंगार को जो श्रृंगार को जो जो भी चीज़ हुई ही वह सारी चीज़ जड़े माता जी के चढ़ा के जा की माता जी के अंदर आवा हाँ तो काफ़ी सारा ऐसा पिल्लर ही जो माता जी को ऊपर को जो यो गुम्बज है यो खड़ो है पर ये पिल्लर की आप बात करा यो पिल्लर कुछ स्पेशल कुछ अलग पिल्लर है यो इसलिए है कि यो पिल्लर बतायो जा है कि क्या का ऊपर भी कौन टिक रो एक पूरा पूरी चारों मेरे जो बतावा की जगह छुट रही आप हाथ भी दें तो हाथ भी इजा जा रहे है अब कह सकती है कह सकती नहीं है वो माता जी की है और जो लोग ही लेडीज ही जेंट्स ही बिन जो माता जी को जो पिल्लर है इन बहुत ज़्यादा मान्यता है पिल्लर की भी और जैन की बात करा जो नारियल बन रहे हैं धागा बन रहे हैं जो लोग मन्नत लेके आवी आपकी भाई जा एक मन्नत को नारियल और धागो बांध के जाए हैं आप कड़े भी माता का मंदिर में जावा तो एक या दो दीवा ही जो अखंड ज्योत चलती रहे अड़े 31 दीवा ही जो अखंड ज्योत हरदम दिन और रात अड़े चलती रहे जैन की आप माता जी के मंदिर के अंदर आवा हाँ तो ये पूरा मंदिर कोई ना कोई ना कोई ना कोई मूर्ति जा कोई ना कोई दर्शे लाग रो है यो पूरा मंदिर है यो पूरा पत्थरों मूर्तिया को बने हुए मंदिर है यो जो अच्छी अच्छी जो कलाकृति की मूर्ति है पत्थर ही बड़े लगाया गया है एक पीछे ही माता जी को जो मंदिर है और एक पीछे जस्ट आप आवा हाँ तो इजा भैरू जी को भी मंदिर है माता जी का जस्ट पीछे जो गुम्बज है गुम्बज के पीछे अड़े भैरू जी को भी मंदिर है तो इजा काफी सारा जो ददी मती माता जी है काफी सारा श्रद्धालु आ रहे हैं तो एक आंटी भी आ रही है आपका पोता लेके तो हम भी बातचीत करांगा जय माता दी जय माता जी की कड़ेव से आ रहे हो मैं जयपुर से आ रहे हैं जयपुर से आ रहे हो हाँ जी तो कई साल हो गई था ना डे माता जी का आता कई सालों से आ रहे हैं हम हमारे जाजडुला इस यही चढ़ाते हैं ये हमारी वो कुलदेवी है अच्छा कुलदेवी है तो जैन की माता जी का हो तो कोई ना कोई मनोकामना लेके हो तो थारी कोई मनोकामना है कि भी के जोड़े माता जी का आगे हाँ, जरूर पूरी होती है सबकी मनोकामना पूरी होती है आज से थारा पोतान लेके आ रहे हो तो पोतान भी दर्शन कराने खातर लेके आ रहे हो हाँ जी जरूर जैन की एक आंटी जी हाँ ये भी जो जयपुर आ रहे हैं दधीमती माता का दर्शन करने खातर आपका पोतान लेके आए जो आपको जड़ूलो हो बोड़े जड़ूलो चढ़ान खातर आए हाँ की दधीमती माता जी का जरूर जरूरी को नहीं की अड़े नागौर का लोग जयपुर मुंबई दूर दूर भी हेड़े लोग आवे ही दधी मती माता का दर्शन करन खातर दधी मती माता जी है बाकी काफी सारा ये दर्शक आ रहे हैं दर्शन करन खातर यात्री आ रहे हैं तो हम भी बातचीत कर कड़ेवन से आ रहे हो थे खेराट गांव खेराट गांव तो जय की माता का आता था एक साल हुई हम काफी सालों से आते हैं हमारे यहाँ तहसील मुचल है जेल है तो हमारा यहाँ माता जी के मंदिर के बाहर से यहाँ जो रोड बन रखी है नागौर भी जाती है और इधर हमारे गांव तो हमारा यहाँ जाहिल तहसील मुख्यालय पर आना जाना होता है तो हम लगभग महीने में एक दो बार माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ रुकते हैं और काफ़ी सालों से आते हैं दधी माता के जो दधी मती माता है तो जब एक आओ हो तो कोई थारी जय मालिक हर यात्री कोई ना कोई इच्छा हो कोई ना कोई संकट आ जाए है जिंदगी में तो कुछ थारी लाइफ में कोई संकट आए माता का आया और वो संकट कट गो वैसे हमारे सनातन संस्कृति में माता जी के और जो भी देवी देवता है उनकी हमारे ऊपर कृपा है अभी ऐसा परिवार में या हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आया माता जी की कृपा से जी ऐसा आगे ही बना रहता है माता जी से हम यही दुआ करते हैं जी दधी मती माता जी को वीडियो थाने का शौक लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो है लाइक करो शेयर करो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो ताकि जो भी नई वीडियो होगी
तब भी की नोटिफिकेशन थारे फोन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय राजस्थान।